चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम स्टेट की काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे कौन से स्टेट में अभी फ़िलहाल क्या काउंसलिंग की अपडेट है फर्स्ट राउंड का किस किस स्टेट का रिजल्ट आ चुका है सेकेंड राउंड के लिए किस स्टेट का शेड्यूल आ रखा है मैं आपको इस वीडियो में पूरे स्टेट की अपडेट दूँगा तो आपको इसी एक वीडियो से सभी स्टेट की लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगी आज तक कि कौन से स्टेट में अभी काउंसलिंग के रिगार्डिंग क्या सिचुएशन चल रही है तो बात करते हैं सबसे पहले हम एम की तो आपको पता ही है एम का सेकेंड राउंड का रिजल्ट आ चुका है और आठ दिसंबर 2020 तक इसमें कॉलेज में रिपोर्टिंग है उसके बाद वैकेंट सीट स्टेट को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी इसके बाद में हम बात करें आईपीयू दिल्ली की तो आईपीयू दिल्ली के फर्स्ट राउंड की पूरी फॉर्मलिटीज़ कंप्लीट हो चुकी हैं सेकेंड राउंड का अभी शेड्यूल आया नहीं है फर्स्ट राउंड में जॉइनिंग वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो चुकी हैं इसके बाद में हम बात करें राजस्थान स्टेट की तो राजस्थान स्टेट का फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका है सेकंड राउंड का शेड्यूल आ चुका है ये सेकंड राउंड के रजिस्ट्रेशन दो से पाँच दिसंबर के बीच में है इसके बाद में सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको छः से आठ दिसंबर के बीच में डिपोज़िट करना है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो आठ दिसंबर को आ जाएगी और इसमें ऑफलाइन काउंसलिंग ग्यारह से सत्रह दिसंबर तक है अब बात करें हम उत्तर प्रदेश स्टेट की तो उत्तर प्रदेश स्टेट में सेकेंड राउंड के रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुके हैं अभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चल रहा है ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन दो से पाँच दिसंबर के बीच होगा इसके बाद में आप बारह से चौदह दिसंबर दो हज़ार बीस तक चॉइस फिलिंग कर सकते हैं रिजल्ट सिक्सटीन दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी को आ जाएगा और रिपोर्टिंग टाइम होगा सेवनटीन से ट्वेंटी वन दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी सेकेंड राउंड के लिए इसके बाद में हम बात करें हरियाणा स्टेट की तो हरियाणा स्टेट में कॉलेज रिपोर्टिंग का आज लास्ट डेट है फर्स्ट राउंड का सेकेंड राउंड का शेड्यूल अभी जारी नहीं हुआ है इसके बाद में हम बात करें हिमाचल प्रदेश की तो हिमाचल प्रदेश में फर्स्ट राउंड की फॉर्मलिटीज़ कंप्लीट हो चुकी हैं सेकंड राउंड का शेड्यूल आ चुका है और सेकंड राउंड के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तीन से नौ दिसंबर 2020 तक होने हैं इसमें करेक्शन आप दस से बारह दिसंबर 2020 तक कर सकते हैं रिजल्ट इसमें फिफ्टीनथ दिसंबर 2020 को आ जाएगा और ज्वाइनिंग की लास्ट डेट होगी एटीनथ दिसंबर ट्वेंटी बिहार स्टेट की बात करें तो बिहार का फर्स्ट राउंड का रिजल्ट फोर्थ दिसंबर 2020 को डिक्लेयर होगा इसके बाद में चार से आठ दिसंबर तक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का शेड्यूल है और एडमिशन की लास्ट डेट नाइन्थ दिसंबर 2020 है सेकेंड राउंड का रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा फोर्टीन दिसंबर 2020 को बिहार में सेकंड राउंड का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा इसके बाद में हम बात करें महाराष्ट्र स्टेट की तो महाराष्ट्र स्टेट का अभी फर्स्ट राउंड का कंप्लीट हो चुका है फॉर्मेलिटीज वगैरह सब कंप्लीट हो गई एडमिशन कंप्लीट हो गए हैं फर्स्ट राउंड का सेकंड राउंड एमबीबीएस बीडीएस के लिए अभी शेड्यूल आया नहीं है बी बीएचएमएस यानी आयुष के लिए अभी सीट मैट्रिक्स जारी हो चुका है इसके बाद में बात करें हम केरला स्टेट की तो केरला स्टेट में फर्स्ट राउंड कम्प्लीट हो चुका है सेकेंड राउंड का अभी शेड्यूल आया नहीं है केरला स्टेट का कर्नाटका स्टेट में भी यही सिचुएशन है फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका है सेकंड राउंड का अभी शेड्यूल नहीं आया है केरला और कर्नाटका दोनों में सेकंड राउंड के रजिस्ट्रेशन दोबारा से नहीं होंगे जिन्होंने फर्स्ट राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन किया है वही कैंडिडेट इसमें आगे पार्टिसिपेट कर सकते हैं सेकेंड राउंड के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट की बात करें तो छत्तीसगढ़ स्टेट में फर्स्ट राउंड की ज्वाइनिंग कंप्लीट हो चुकी है और जिन कैंडिडेट ने फर्स्ट राउंड के लिए ज्वाइन किया है उनकी लिस्ट भी पब्लिश हो गई है त्रिपुरा स्टेट की बात करें तो फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका है सेकंड राउंड का शेड्यूल आ, आ चुका है सेकंड राउंड में सभी कैंडिडेट को सिक्योरिटी डिपोजिट करनी है और सेकंड राउंड में फेस रजिस्ट्रेशन होगा लेकिन मोप राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा इसका जो शेड्यूल है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तीन से छः दिसंबर के बीच में होने हैं इसके बाद में जो सीट अलॉट होगा वो शॉरी च्वाइस फील होगा वो सात से आठ दिसंबर के बीच होगा रिजल्ट नाइन दिसंबर को आ जाएगा और इसमें रिपोर्टिंग होगी उसकी लास्ट डेट बारह दिसंबर दो हज़ार बीस होगी वेस्ट बंगाल की बात करें तो फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका है जिन कैंडिडेट को फर्स्ट राउंड की सीट सरेंडर करनी है उसके लिए आठ दिसंबर दो हज़ार बीस शाम चार बजे तक का टाइम है तो जो कैंडिडेट फर्स्ट राउंड की सीट नहीं लेना चाहते हैं तो वो अपनी सीट आठ दिसंबर दो हज़ार बीस तक सरेंडर कर सकते हैं उत्तराखंड की बात करें तो फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका है उत्तराखंड के सेकंड राउंड में शेड्यूल सेकंड राउंड का आ चुका है इसमें हम सेकंड राउंड के एर, इसमें बात करें हम रजिस्ट्रेशन के लिए तो दो से सात दिसंबर के बीच में न्यू रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है सेकेंड राउंड के लिए इसका जो फाइनल सीट मैट्रिक्स आएगा वो आठ दिसंबर को आ जाएगा रिजल्ट टेंथ दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी को आएगा और सेकंड राउंड के लिए लास्ट डेट होगी ज्वाइनिंग के लिए फोर्टीन दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी इसके बाद में हम बात करें तेलंगाना स्टेट की तो तेलंगाना स्टेट के लिए अभी जो गवर्नमेंट कोटा है उसके लिए च्वाइस फिलिंग स्टार्ट हैं और उसकी लास्ट डेट फोर दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी है इसके अलावा इसमें मैनेजमेंट कोटा के लिए भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं जिसकी लास्ट डेट सेवंथ दिसंबर 2020 है तेलंगाना एक ओपन स्टेट है अदर स्टेट के कैंडिडेट अगर तेलंगाना स्टेट में एडमिशन लेना चाहते हैं मैनेजमेंट कोटा के थ्रू तो वो सात दिसंबर 2020 तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं तेलंगाना स्टेट में बात करें हम तमिलनाडु स्टेट की तो तमिलनाडु स्टेट में अभी फर्स्ट राउंड के लिए ऑफलाइन काउंसलिंग चल रही है जिसका शेड्यूल इसकी वेबसाइट पर दिया गया है और ये टेंथ दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी तक फर्स्ट राउंड का ऑफलाइन काउंसलिंग चलेगा इसमें आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश के रजिस्ट्रेशन तो कंप्लीट हो चुके हैं फर्स्ट राउंड के लेकिन अभी चॉइस फिलिंग वगैरह स्टार्ट होना बाकी है इसमें ऐसे ही पांडिचेरी स्टेट की बात करें तो इसके सबसे पहले रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए थे लेकिन अभी इसका फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आया नहीं है अभी फर्स्ट राउंड के लिए जो मेरिट लिस्ट है वो जल्दी ही जारी की जाएगी मैनेजमेंट कोटा के लिए गवर्नमेंट कोटा के लिए जारी हो चुकी है ये एमपी स्टेट की बात करें तो एमपी स्टेट का फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका है इसका सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन दोबारा नहीं होगा सेकेंड राउंड के लिए जो वैकेंसी होंगी वो पब्लिश होंगी नाइन्थ दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी को चॉइस फिल होगी वो टेंथ से ट्वेल्थ दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी को दोबारा से चॉइस फिल होंगी रिजल्ट इसका फिफ्टीथ दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी को आ जाएगा इसमें इसके बाद में जो इसमें रिपोर्टिंग अपग्रेडिंग का रिपोर्टिंग का जो टाइम होगा वो सोलह से लेके 20 बीस दिसंबर तक होगा इसमें इसके बाद में हम बात करें गुजरात स्टेट की तो गुजरात स्टेट का फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट जारी हो चुका है और इसकी जो रिपोर्टिंग है वो रिपोर्टिंग पाँच दिसंबर 2020 तक है सेकेंड राउंड का अभी शेड्यूल आया नहीं है आसाम स्टेट की बात करें तो आसाम स्टेट का फर्स्ट राउंड का शेड्यूल uh, अभी कंप्लीट हो चुका है फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड का शेड्यूल अभी आया नहीं है आसाम स्टेट का झारखंड की बात करें तो झारखंड के रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट आज तीन दिसंबर दो हज़ार बीस है इसमें सीट अलॉटमेंट होगा छः से दस दिसंबर को और रिपोर्टिंग भी छः से दस दिसंबर के बीच में होगी इसमें उड़ीसा की हम बात करें तो उड़ीसा का फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका है सेकंड राउंड के रजिस्ट्रेशन की डेट चार से पाँच दिसंबर 2020 है इसके बाद में वैकेंट सीट नौ दिसंबर को आ जाएंगी और च्वाइस फिल नौ से दस दिसंबर के बीच में करनी है सेकंड राउंड का रिजल्ट बारह दिसंबर को आ जाएगा रिपोर्टिंग तेरह से पंद्रह दिसंबर के बीच में होगी इसका जो मोपअप का टेंटेटिव शेड्यूल है वो ट्वेंटी 20 दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी है पंजाब की बात करें तो पंजाब स्टेट में फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका है सेकेंड राउंड का अभी शेड्यूल आया नहीं है इसके बाद जम्मू कश्मीर की बात करें हम तो जम्मू कश्मीर का च्वाइस फिलिंग अभी आज लास्ट डेट है उसकी तीन दिसंबर 2020 इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की कोई आवश्यकता नहीं है तो जिन कैंडिडेट ने जे के स्टेट के लिए रजिस्ट्रेशन किया है जो जे के के रहने वाले हैं जिन्होंने जे के के लिए रजिस्ट्रेशन किया है वो आज च्वाइस फिल कर दें इसके बाद में बात करें हम अरुणाचल प्रदेश की तो इसमें अरुणाचल प्रदेश में फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग है वो ट्वेंटी फोर नवम्बर को कंप्लीट हो चुकी है सॉरी सेवेंटीन्थ नवंबर को कंप्लीट हो चुकी है इसमें ट्वेंटी फोर्थ नवंबर को ऑफलाइन काउंसलिंग सेकेंड राउंड की हो चुकी है अभी इसमें जो स्पोर्ट काउंसलिंग है वो अभी बीडीएस के लिए तीन सीट बची हुई हैं वो सपोर्ट काउंसलिंग होगी फर्स्ट दिसंबर तक इसके रजिस्ट्रेशन हैं मोपअप के लिए इसके बाद में हम बात करें अंडमान निकोबार आइसलैंड की तो इसमें अभी रजिस्ट्रेशन इसके कंप्लीट हो चुके हैं मेरिट लिस्ट पब्लिश हो चुकी है रिजल्ट आना बाकी है इसमें गोवा की बात करें तो इसमें गोवा स्टेट में फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका है सेकंड राउंड ऑफलाइन होगा वो टेंथ दिसंबर 2020 को होगा इसके बाद मिजोरम की बात करें तो इसके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुए थे 18 से 19 नवंबर बाकी शेड्यूल आना बाकी है इसमें दादर एंड नगर हवेली की बात करें तो इसमें पच्चीस तारीख तक इसके रजिस्ट्रेशन थे आ, अभी इसमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको काउंसलिंग के लिए इसमें जो शेड्यूल दिया गया है वो चेंज हो चुका है दोबारा से इसका शेड्यूल आएगा दादर एंड नगर हवेली के लिए बात करें हम मणिपुर की तो फर्स्ट राउंड जो है मणिपुर का वो ट्वेंटी फाइव नवंबर ट्वेंटी ट्वेंटी को कंप्लीट हो चुका है सेकेंड राउंड का अभी शेड्यूल आना बाकी है चंडीगढ़ स्टेट का फर्स्ट राउंड ऑफलाइन था वो अठारह उन्नीस बीस नवंबर को कंप्लीट हो चुका है मेघालय स्टेट की बात करें तो इसका फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ चुका है ये एटीनथ नवंबर ट्वेंटी ट्वेंटी को इसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए काउंसलिंग थी मेघालय स्टेट की तो ये अपडेट थी सारे स्टेट्स की कौन से स्टेट में फ़िलहाल क्या सिचुएशन चल रही है काउंसलिंग के बारे में सभी स्टेट्स की मैंने अपडेट आपको दे दी है बाकी स्टेट के अपडेट जैसे जैसे मिलेगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें वीडियो को लाइक व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद